हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग आसनसोल से निकल रहे हैं बक्सर, और अभी टाटा बोल रहे हैं हर्षित को। ठीक है हर्षित, फिर मिलते हैं, बाय बाय। यहाँ से 420 किलोमीटर बक्सर है, तो हाईवे मिल गया, पूरा हाईवे ही है, तो मज़ा आएगा ड्राइव करने भी। और अभी फिलहाल तो नॉर्मल स्पीड में चल रहे, 100-110 पे चल रहे, और हाईवे बहुत अच्छा है। हम लोग का फर्स्ट टोल आ चुका है इधर से, और अभी सुबह सुबह जाम उतना है नहीं। गाइज, रिलायंस पे फिलिंग करा रहे हैं हम लोग, तो ये देख सकते हैं डिक्की पूरा भरा पड़ा है, अभी तक 31 लीटर जा रहा है, 91.68 लीटर से अभी जा रहा है भाई। ऑटो कट पे रुक गया, हाँ ऑटो ही कट पे छोड़ दी। देख सकते पहाड़ सामने कितना खूबसूरत दिख रहा है, और चलाने का एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आ रहा है, अंडर पावर नहीं लग रहा, बहुत खींचने पर खींच रहा है पूरा अच्छे से। और पीछे देख रहे हैं पूरा ओवरलोड सामान ही भरा हुआ है, आगे मोनो भैया बैठे हैं, और आगे से तो खतरनाक दिखती है अपनी अलकजार। गाइस सेकंड वाला टोल है हम लोग का, यही आ चुके हैं, और टाइम हो चुका है 12 बज रहे हैं, तो फिलहाल चल रहे हैं, और अच्छा लग रहा है ड्राइव करने में, बहुत मज़ा आ रहा है अलकाजार को, अंडर पावर्ड ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है गाइस। और यहाँ से ज़्यादा नहीं, 200 प्लस और है, तो अभी बीच में देखते हैं कुछ ट्विस्ट भी होने वाला है, तो आगे आपको चलकर वो भी बताता हूँ मैं। तो प्लानिंग में चेंजिंग हो गया, अब हम लोग गया घूमने जा रहे हैं, तो गया चल रहे हैं, अभी फिलहाल तो रुके हुए हैं, और गया यहाँ से 18 किलोमीटर है, ऐसा कुछ हाईवे है, तो चल रहे हैं, सीधे जाना है हम लोग को, तो सीधे पहुँचते हैं गया। लोग आ चुके हैं बोध गया, और कार हम लोग से उधर ही पार्क करवा दी है बाहर ही, और अभी हम लोग जा रहे हैं टोटो कर जा रहे हैं हम लोग मंदिर के पास, तो फिलहाल चल रहे हैं, ये टोटो हो चुका है यहाँ पे, चलते हैं। आपके सामने महाबोधि टेम्पल, जो कि ऊपर देख सकते हैं पूरा गोल्ड है। तो अभी हम लोग ये मेन गेट से चलते हैं, और कैमरा का टिकट लगेगा, और फोन वगैरह अंदर अलाउ नहीं है, इसको अंदर रखना पड़ेगा। 100 रुपीज़ का टिकट कुछ ऐसा मिल रहा है, काउंटर ये रहा, जब आइएगा मेन रूट से तो यहीं पे काउंटर ये है, तो फोन वगैरह भी तो जमा करते हैं, उसके बाद कैमरा पे शिफ्ट करते हैं। लोग अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं साफ सफाई जोर शोर से चल रहा है, और गजब का लग रहा है टेम्पल।
शंकर आ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिलहाल ही में अभी बम ब्लास्ट का सीन हुआ था, तो बहुत सिक्योरिटी बढ़ गया है पहले से भी। फिलहाल अब निकलते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे भाई घूम के, और वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। तो टोटो पकड़ते हैं वापस से। गाइज हम लोग आ गए हैं 80 फीट स्टैचू के पास, देख सकते हैं भाई दोनों साइड ट्री है, और सामने देख सकते हैं बुद्धा स्टैचू जो कि बहुत ऑसम दिख रहा है यहाँ से। सीट से ये रहे 10, तो सबका स्टैचू बना है आनंदा, सबके नाम भी नीचे है और दोनों साइड है वैसे भी, और मेंटेनेंस का अब जरूरत है थोड़ा। अब गाइस यहाँ पे भी हम लोग घूम चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। निकल चुके हैं गया से, और गया से 170 किलोमीटर बक्सर है, और निकलते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ से निकले हैं आसमसोल से, तो डायरेक्ट बक्सर के लिए। बट बीच में प्लान चेंजिंग हो गया, मोनू ब्याह कर दिए, तो ये भी हम लोग गया घूम लिए। मम्मी नहीं घूमी थी तो मम्मी पापा दोनों घूम लिए, तो चलते हैं। तो औरंगाबाद आ चुके हैं, और ये रहा जो सीमेंट फैक्ट्री है, यहीं से हम लोग को लेना है राइट, तो औरंगाबाद होते हुए निकला जाएगा विक्रमगंज होते हुए बक्सर। और अभी शाम के बज गए 6। गाइस हम लोग विक्रमगंज आ चुके हैं और रात के बज रहे 8:30, तो अभी फिलहाल यहीं पे हम लोग खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में जाकर, तो फिलहाल रेस्टोरेंट में हम लोग जा रहे हैं। रेड चिली में हम लोग आए हैं जो कि विक्रमगंज में, और इसका रेटिंग्स देखकर हम लोग आए हैं, तो इसी में खाते हैं। ठीक है गाइस अंदर चलते हैं, अंदर आने के बाद कुछ ऐसा है। खाना खा चुके हैं, खाना बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया खाकर। फिलहाल तो यहाँ से नॉन स्टॉप बक्सर की ओर निकलते हैं। कैसा था टेस्ट? मस्त था एकदम, मौसम तो। फिलहाल चलते हैं।